अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य तीन आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि हनुमान बुर्ज स्थित शिवम ज्वेलर्स की दुकान है। दुकान मालिक 23 नवंबर को अपनी दुकान को बढ़ाकर अपने घर शालीमार चला गया था। उसके बाद दुकान के पड़ोसी दिनेश कुमार अपना मोबाइल पर दुकान की शटर खुली व चोरी होने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत ही दुकान पर पहुंचे। तब दुकान की शटर आधी खुली हुई थी व ताले टूटे हुए थे। मौके पर लोहे की रॉड पड़ी मिली। दुकान के अंदर से काउंटर में रखे चांदी का सामान चोरी हो चुका था, जिसमें गली की चैन, चांदी की चुटकियां, चांदी के बर्तन, गिलास, कटोरी, चम्मच चोरी हो गए, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और चोरी का मामला दर्ज कर लिया और अनुसंधान कर लिया है। आरोपी आसाद निवासी बेला का गिरफ्तार किया है और इसके तीन अन्य साथी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथी सलाउद्दीन खान, सोनू और कमल उर्फ कीड़ो ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। यह दिनांक 24/11/2023 को परिवादी विनोद खंडेलवाल निवासी वैशाली नगर ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरी जो तिलक मार्केट में सोनू ज्वेलर्स की दुकान है, उसमें रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने मेरी दुकान का शटर तोड़ करके और सोने चांदी के आभूषण चुरा करके ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया। और बाजार की घटना होने से और इसको एसपी साहब और उच्च अधिकारियों ने बहुत सीरियस ले लिया, जिस पर एसएचओ साहब ने और एक टीम गठित करके इनकी मुलजिमों को हर एंगल से तलाश किया, जिस पर कल दिनांक 24/12/2023 को मुलजिम असाद उर्फ पोला निवासी बेलाका को गिरफ्तार किया गया है। उक्त बदमाश बहुत ही आला दर्जे का बदमाश है, जिसके खिलाफ करीब 55 मुकदमे चोरी, लूट, नकबजनी, मारपीट, अवैध शराब और अवैध हथियारों के दर्ज हैं। इसके तीन साथी जो हैं वो अभी फरार हैं, सलाउद्दीन जो इसी के गांव का है, एक सोनू कोली है और एक कमल उर्फ कीड़ू है। ये भी इसी तरह के बदमाश हैं, जिनकी तलाश के लिए विभिन्न टीमें गठित करके और उनकी तलाश जारी है।